Welcome back to MTKit Society. In this video, we will learn what are limiting reactants. बहुत सारे students ने ये सवाल किया कि limiting reactant को कैसे समझा जाए. Amazing कोई trick बता दे limiting reactant को समझने की. तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक animation video बनाई जाए limiting reactant के बारे में. So this is an animation video for you especially. देख लेते हैं कि what are limiting reactant, कैसे limiting reactant को हम समझ सकते हैं. Let's take an example of slices and kebab. आपको अगर दो slices दिए जाएं, एक kebab दिया जाए, तो आप क्या बना सकते हैं? उसमें से आप sandwich बना सकते हैं. यानी आपके पास दो slices हैं, एक kebab है, तो उसमें से आप एक sandwich बना सकते हैं, क्योंकि एक sandwich में दो slices, बीच में एक kebab होता है. अब कुछ और हिसाब कर लेते हैं. समझें कि देयर आर 20 slices होंगे तो कितने कबाब चाहिए? ऑब्वियसली 10 कबाब्स. कितने सैंडविच बनेंगे? ऑब्वियसली 10 सैंडविचेस. अगर 26 हो जाएं तो कितने चाहिए? 13 चाहिए. लेकिन सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास 12 कबाब हैं, एक कबाब मिसिंग है. तो अगर एक कबाब मिसिंग है तो कितने सैंडविचेस बनेंगे? सैंडविचेस 12 बनेंगे, 13 नहीं बनेंगे. दो स्लाइसेस बच जाएंगी. कौन सी चीज़ बच रही है? स्लाइसेस बच रही हैं. अच्छा, अब देख लेते हैं कि यहाँ पे जो स्लाइसेस और कबाब्स हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? दीज आर रिएक्टेंट्स. अगर केमिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो ये रिएक्टेंट्स हैं, क्योंकि ये आपस में मिल रहे हैं. एंड द सैंडविच इज़ अ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बन रही है. अब जो हमने अभी केस देखा, उसमें कौन सी चीज़ मिसिंग थी? कबाब एक मिसिंग था. 26 स्लाइसेस थे, 12 कबाब थे, जबकि हमें 13 चाहिए थे. तो इन दिस केस कबाब इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट. कबाब क्या है? एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है. नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल. अब दो आपके पास स्लाइसेस होंगे, एक कबाब होगा, तो एक सैंडविच बनेगा. दैट्स बेसिक. अब दूसरा हिसाब कर लेते हैं. सपोज़ करें कि 30 स्लाइसेस हैं, तो कितने कबाब चाहिए होंगे? 15 चाहिए होंगे. कितने सैंडविच बनेंगे? 15 बनेंगे. वेरी इजी. अब अगर हमारे पास 35 स्लाइसेस हैं, अब 35 स्लाइसेस हैं तो हमें कितने कबाब चाहिए? कितने भी कबाब लेंगे, एक स्लाइस तो बच जाएगा. क्यों? क्योंकि हमें स्लाइस जो चाहिए होते हैं वो इवन नंबर्स में चाहिए होते हैं. अब 35 है, सपोज़ करें कि हमारे पास 18 कबाब हैं. अब 18 कबाब हैं तो हमें कितने स्लाइसेस चाहिए? 18 का डबल करें, 36. हमें 36 स्लाइसेस चाहिए, लेकिन स्लाइसेस 35 हैं, तो 35 को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते. हम 34 इस्तेमाल करेंगे, जिसमें से टोटल 17 सैंडविचेस बन सकते हैं. अब क्या बचा? एक स्लाइस बच रहा है और साथ साथ एक कबाब भी बच रहा है. लेकिन कमी किस चीज़ की हुई? किसकी वजह से हमें रुकना पड़ा? कबाब तो हमारे पास थे, हमारे पास एक स्लाइस नहीं था. जिस चीज़ की कमी हुई, दैट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट. यानी हेयर इन दिस केस स्लाइस इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट. नाउ लेट्स सी दैट व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट. द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ अ रिएक्टेंट दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन ड्यू टू इट्स स्मॉलेस्ट अमाउंट. क्योंकि उसका स्मॉलेस्ट अमाउंट होता है, वो चीज़ कम हो जाती है, दैट्स वाई वो ख़त्म हो जाती है. दैट्स वाई इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जिसकी वजह से हमें रिएक्शन को स्टॉप करना पड़ता है. दैट इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट. नाम से ही जाहिर है, लिमिट यानी जो लिमिट कर दे, जो उसको एक हद दे दे और उसको रोक ले. So that is limiting reactant. Now let's see chemical example. Chemical example देख लेते हैं. Hydrogen और oxygen को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? Water बनेगा. Hydrogen gas होती है, oxygen gas होता है, water यहाँ पर liquid है. दो molecule hydrogen के चाहिए होते हैं, एक molecule oxygen का, दो molecule water बन जाता है. ये तो आपने balance chemical equation देखी हुई है. तो अब यहाँ पर हिसाब कर लेते हैं. दो जो कि मैंने रेड से शो किया है वो हाइड्रोजन है, जो मैंने एक शो किया है ग्रीन से दैट इज़ ऑक्सीजन, एंड ब्लू से मैंने वाटर को शो किया है. दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, दो मोल्स बन गए वाटर के. ये तो बैलेंस हो गया.
अब सपोज कर लेते हैं हमारे पास दो हाइड्रोजन के ही हैं लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन के भी दो हैं, तो कितनी वाटर बनेगी? चार बनेगी? नहीं, तीन भी नहीं बनेगी, दो ही बनेगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन तो उतने ही है ना, तो हाइड्रोजन उतने ही खर्च होंगे, तो दो वाटर के बनेंगे लेकिन एक ऑक्सीजन बच जाएगी, वो किसी काम की नहीं आएगी। अब इस एक ऑक्सीजन को इस्तेमाल करने के लिए हमें दूसरे दो हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि एक ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन लगते हैं। तो अगर हम चार हाइड्रोजन लेके आएँ और दो ऑक्सीजन लेके आएँ तो क्या होगा? टोटल चार मॉलिक्यूल बनेंगे किसके? वाटर के, और कोई भी चीज़ नहीं बनेगी। तो अब जो ये मिडिल वाला केस है, जो जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इस मिडिल वाले केस में कौन सी चीज़ कम हो रही है? हाइड्रोजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन तो ज़्यादा थी, वो एक्सिस में थी, ऑक्सीजन को कहेंगे दैट इज़ एक्सिस, लेकिन जो हाइड्रोजन है दैट इज़ लिमिटिंग। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो उम्मीद है कि आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट का टोटल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस तरह की कोई और भी परेशानी है एमडीकेट के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। आपको कोई ट्रिक चाहिए तो वो भी आप लिख दीजिए, उस पर वीडियो बन जाएगी। तब तक के लिए